गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ योर आई टी सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिकॉज हमने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर सिक्स कीबोर्ड की जो मेन मेन कीज़ हैं वो देख ली हैं आज हम कुछ स्पेशल अलग टाइप की कीज़ जिनको हम नेविगेशन कीज भी बोलते हैं उनको देखेंगे बिकॉज़ वो हमारे कर्जर को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में हेल्प करती हैं तो हम उन कीज़ कॉम्बिनेशन को देखेंगे इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और देखेंगे ऐसी कौन सी कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड में जो दो दो होती हैं नॉट ओनली वन दे आर टू कीज़ ऑन आर की बोर्ड एंड वो दो इसीलिए होती हैं सो दैट आर लेफ्ट हैंड कैन ऑल्सो यूज दैट एंड राइट हैंड कैन ऑल्सो यूज दैट एंड आफ्टर दैट वी विल डू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स गिवेन एन इन आर एक्सरसाइज थोड़ा सा हम रिकैपिचुलेट करेंगे फटाफट से अपनी बुक से एंड देन वी विल कम टू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट अगेन एम सी क्यूज ट्रू फॉल्स एंड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप बुक में ही करोगे बट अदर क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर आई टी नो लेट स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कौन सी कीज हैं जो ट्वाइस हैं ट्वाइस मीन टू टाइम्स है हमारे की बोर्ड पर शिफ्ट की यू कैन सी यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है टू कीज आर शिफ्ट कीज कंट्रोल की सी टी आर एल कंट्रोल कीज भी दो हैं एंड दल्ट की ए एल टी ऑल्ट यह भी ऑल्ट की है ना सो दीज कीज आर ट्वाइस ऑन आर कीबोर्ड इवन द नंबर कीज ऑल्सो वन टू थ्री फोर हमारी यहाँ पे भी हैं जब हमें नंबर्स को अल्फाबेट्स के साथ साथ टाइप करना है तो हमारी स्पीड के लिए नंबर कीज़ को यहाँ दिया जाता है एंड अगर हमें कहीं पे सिर्फ नंबर्स नंबर्स एंटर करने हैं देन वी कैन यूज़ दीज नंबर कीज़ आल्सो दे आर आल्सो टू आइस इवन एंटर की भी अगर हम देखेंगे तो दे आर टू बट अगेन बिकॉज हमने बहुत जगह पे देखा है ये वाला कीबोर्ड अगर हमारे पास छोटा कीबोर्ड है तो ये कीज़ वहाँ पे नहीं होती हैं बट शिफ्ट की इस कन्फर्म ट्वाइस होगी सी टी आर एल कंट्रोल की भी ट्वाइस होगी एंड ऑल्ट की भी ट्वाइस होगी नंबर कीज़ कुछ कुछ कीबोर्ड्स में जो बड़े कीबोर्ड होंगे उनमें आपको ट्वाइस मिलेगी बट अगर छोटा कीबोर्ड है तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है आपको ये दो बार मिले ठीक है सो वी हैव टू नो दिस नेक्स्ट हम आते हैं कुछ अलग टाइप की कीज़ पे जिनको हम नेविगेशन कीज़ भी बोलते हैं नेविगेशन कीज़ क्यों बोलते हैं क्योंकि हमारे कीबोर्ड में कुछ ऐसी कीज़ होती हैं जो कर्ज़र को कर्ज़र किसको बोलते हैं दैट इज़ ऑन द स्क्रीन देखो यहाँ पे ये जो कर्ज़र है अगर मैं थोड़ा सा माउस को हिलाती हूँ तो ये कर्ज़र ब्लिंक करता है दैट मीन्स कि मैं कुछ भी लिखूँगी तो वो यहीं से ही लिखना स्टार्ट होगा है ना तो ये कर्ज़र को मूव कराने में हेल्प करती हैं ये कीज़ कौन सी होती हैं ये सबसे पहली ये जो चार कीज़ होती हैं दीज आर कॉल्ड एरो कीज़ क्योंकि इनमें एरोज़ हैं ये ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ले जाने में हेल्प करती हैं इसके अलावा हमारे पास होम की भी होती है जो कि सपोज़ करो अगर मेरा कर्ज़र लाइन में कहीं पे भी है तो ये लाइन के स्टार्ट में ले जाएगा एंड की एंड ऑब्वियसली लाइन के एंड में ले जाएगा पेज अप पेज के सबसे ऊपर ले जाएगा पेज डाउन पेज के सबसे नीचे लेकर आएगा ठीक है अब हम इनको यूज़ करते हैं सपोज़ करो मेरा कर्ज़र यहाँ पे है ठीक है मुझे कर्जर को आगे ले जाना है तो मैं क्या करूंगी यहाँ से राइट साइड वाली बिकॉज मुझे कर्जर को राइट साइड पे ले जाना है सी कर्जर राइट साइड पे जा रहा है मूव करता जा रहा है राइट साइड पे है ना आप सिमिलरली अगर मुझे कर्जर को नीचे ले जाना है तो मैं नीचे वाला एरो प्रेस करती हूँ ये वाला एरो सी कर्जर कहाँ आ गया नीचे ब्लिंक हो रहा है ये क्लियरली दिख रहा है हमें यहाँ पे ब्लिंक होता हुआ कर्जर है ना सो दिस इज दी कर्ज़र आप सिमिलरली अगर मैं इसको लेफ्ट पे लेके जाती हूँ ये वाली की प्रेस करूंगी लेफ्ट पे ले जाने के लिए सो तो मेरा कर्ज़र यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मूव करता जाएगा सी अब मुझे फिर से कर्ज़र ऊपर ले जाना है तो मैं ऊपर वाला एरो प्रेस करूंगी ऊपर चला गया नीचे वाला एरो नीचे जाएगा ऊपर वाला एरो से ऊपर जाएगा अब सपोज करो मेरा कर्ज़र यहाँ कहीं पर है, है ना मैं चाहती हूँ कि मेरा कर्ज़र इस लाइन में सबसे स्टार्टिंग पे आ जाए तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा दिस इज़ दैट की होम की जैसे ही मैं ये होम की प्रेस करूंगी सी मेरा कर्जर कहाँ आ गया लाइन के स्टार्टिंग पे आ गया अब मुझे क्या करना है लेकिन अब मुझे कर्सर यहाँ नहीं चाहिए मुझे लाइन के बिल्कुल एंड पे कर्सर चाहिए तो मैं चाहती हूँ मुझे बार बार ये एरो कीज ना प्रेस करनी पड़े ये राइट right साइड पे मैं करती जाऊँ करती जाऊँ और तब जाके वो एंड में आएगा मैं चाहती हूँ डायरेक्टली सीधा कर्सर मेरा लाइन के एंड में आ जाए उसके लिए हम क्या करते हैं दिस एंड की इज देयर ये एंड की सी कर्सर आ गया मेरा लाइन के एंड में बिल्कुल है ना अब अगर मैं इसी एंड की को कंट्रोल के साथ प्रेस करती हूं ये कंट्रोल की है सी टी आर एल कंट्रोल और इसके साथ साथ मैंने एंड को प्रेस किया दिस इज द एंड एंड की ई इन दोनों को एक साथ प्रेस किया मेरा कर्जर कहाँ आ गया एंड पे आ गया दैट मींस ये मेरा पूरा एक डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट के मैं बिल्कुल एंड पे पहुंच गई सिमिलरली अगर मैं कंट्रोल के साथ होम को प्रेस करती हूँ दिस इज होम एच ओ एम ई होम ठीक है होम वाली की है एंड ये रहा कंट्रोल की इन दोनों को अगर मैं एक साथ प्रेस करती हूँ तो मैं अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पे पहुंच जाती हूँ है ना सिर्फ होम प्रेस करेंगे तो मैं लाइन के ए स्टार्ट पे पहुंचूंगी लेकिन कंट्रोल के साथ अगर मैं होम प्रेस करूंगी तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पे पहुंच जाऊंगी सिर्फ एंड प्रेस करूंगी तो मैं लाइन के एंड पे पहुंच गई हूँ और कंट्रोल के साथ साथ एंड अगर मैं प्रेस करूंगी तो मैं पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच जाती हूँ सिमिलरली अब हमारे पास टू कीज और हैं पेज अप एंड पेज डाउन पेज अप का मतलब है अभी सबसे पहले हम पेज डाउन यूज़ करते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पेज ये क्लियरली दिख रहा है मुझे फर्स्ट पेज है ये पेज का मेरा एंड है ये पीछे बैकग्राउंड है दिस इज द फर्स्ट पेज ठीक है एंड ऐसे ही करके यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास और भी पेजेस हैं वन पेज एंड सेकेंड पेज भी है मेरे पास जो कि ब्लैंक है ठीक है इसके बाद सेकेंड पेज है जो कि ब्लैंक है अब मुझे क्या करना है ये एरो ये नहीं करना है मुझे स्क्रॉल नहीं करना है मैं सीधा मेरे पास जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट मैं चाहती हूँ सीधा मेरा जो कर्सर है वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट जो पेज नेक्स्ट पेज है उसके भी बिल्कुल एंड पे आ जाए तो उसके लिए मैं क्या प्रेस करती हूँ पेज डाउन पेज डाउन जैसे ही मैं प्रेस करूँगी तो मेरा पूरा कर्सर नेक्स्ट पेज पे आ गया लास्ट में बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं दोबारा से पेज अप प्रेस करती हूँ तो वापस मैं फर्स्ट पेज पर पे पहुँच जाऊँगी चाहे मेरे पास टेन पेजेस हैं सिक्स पेजेस हैं जितने भी पेजेस हैं मैं जैसे पेज अप करूँगी तो मैं फर्स्ट पेज पे पहुँचूँगी या जैसे पेज डाउन करूँगी तो मैं लास्ट पेज पे पहुँच जाऊँगी अपने डॉक्यूमेंट के सो दीज आर दी नेविगेशन कीज़ एक और चीज़ यहाँ पे होती है डिलीट जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पेज अप करते हैं हम यहाँ पे पहुँच गए हैं सपोज़ करो मेरे पास कर्जर यहाँ पे है तो हमने देखा था कि जब हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो जो लेटर होता है लेफ्ट साइड वाला लेटर डिलीट होता है सी कर्सर ये रहा कर्सर के लेफ्ट साइड में जो है वो डिलीट होता जा रहा है इरेज होता जा रहा है लेकिन जब मैं डिलीट वाली की प्रेस करती हूँ तो राइट right साइड वाला लेटर इरेज होता है सी एच इरेज होगा राइट right साइड पे है एस इरेज होगा राइट right साइड पे है तो इस तरीके से बैक स्पेस एंड डी डिलीट में यहाँ पे डिफरेंस होता है अब इसके बेसिस पे हम कुछ पूरा चैप्टर पहले रिवाइज करेंगे एंड देन वी विल कम टू दी नेक्स्ट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड में टोटल कितनी कीज़ होती हैं हमारे पास 104 कीज़ होती हैं जो अल्फाबेट कीज़ हैं वो अल्फाबेट्स को टाइप करने के लिए यूज़ होती हैं ए बी सी डी पूरा जेड तक आपको कोई भी अल्फाबेट टाइप करना है उसके लिए आप अल्फाबेट कीज़ को देखते हो लेकिन ये कीज़ हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती हैं इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है वो हमारी स्पीड को लिखने की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए सो so दैट हम जल्दी से लिख पाए फास्टली लिख और ये जो ऑर्डर है ये किसने डिस्क्राइब किया था डिस्कवर किया था सर क्रिस्टोफर लातम शोल्स ने इसके बाद हमारे पास नंबर कीज़ होती हैं जो हमारी ऑब्वियसली नंबर्स को टाइप करने के लिए होती हैं जैसे अल्फ़ाबेट कीज़ अल्फ़ाबेट्स को टाइप करने के लिए होती हैं एक और छोटी सी चीज़ जो अल्फ़ाबेट कीज़ में सबसे फर्स्ट रो है उसकी फर्स्ट सिक्स कीज़ जो होती हैं दोज आर Q W E R T Y दैट्स वाई हम उनको हम पूरे अल्फाबेट कीज कीज़ को क्वर्टी कीबोर्ड भी बोलते हैं या हमारे पूरे की बोर्ड को ही हम क्वर्टी की बोर्ड बोलते हैं हमारे स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स कंप्यूटर्स इन सब के की बोर्ड में क्वर्टी कीबोर्ड ही मिलता है दैट मीन्स इसी ऑर्डर में कीज़ होती हैं लगी हुई नंबर कीज कहाँ कहाँ पर होती हैं या तो अल्फ़ाबेट्स के हमें टॉप पर मिलेंगी ये अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं और बिल्कुल कोर्टी जो लिखा हुआ है हमारे पास कीज़ उसके जस्ट ऊपर हमें यहाँ पर नंबर कीज़ दिखती हैं अभी अभी हमने की बोर्ड में देखा था एंड राइट साइड पे भी होती है हमारी नंबर कीज तो दो बार हमारी नंबर कीज होती हैं इसके अलावा हमारे पास एक कीबोर्ड होता है जो रोल भी हो सकता है जैसे हमारी पेपर शीट पेपर शीट अगर हमें कुछ लिखना है तो हम उसको खोल देते हैं और लिखते हैं और अगर हमें फोल्ड करके कहीं पे भी ले जाना तो वी कैन इजीली फोल्ड दैट अपने बैग में पॉकेट में कहीं पे भी हम पेपर शीट को रख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही कीबोर्ड होता है ये रोलिंग कीबोर्ड एंड फ्लेक्सिबल भी होता है इवन यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट भी होता है इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा नंबर कीज़ हैं हम इनको नंबर कीज़ एंड अल्फाबेट कीज़ इन दोनों को मिलाकर हम टाइपिंग कीबोर्ड भी बोलते हैं टाइपिंग कीज़ भी बोलते हैं बिकॉज़ ये हमारे कुछ ना कुछ टाइप करने के काम आती हैं देन आते हैं हम स्पेशल कीज़ पे स्पेशल कीज़ हमारे कीबोर्ड पे होती हैं स्पेस बार की नेम से ही पता चल रहा है जब हमें वर्ड्स के बीच में स्पेसेस देने होते हैं जैसे हम अपनी कॉपीज़ पे लिखते हैं अपना नेम कुछ भी वर्ड लिखते हैं तो उसके बाद हम छोटा सा स्पेस देते हैं एंड देन हम नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं कंप्यूटर में उस स्पेस को देने के लिए देर इज़ अ की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है पूरे कीबोर्ड में हमें सबसे लॉन्ग वही दिख रही होती है दैट इज दिस स्पेस बार की जो तो ले, दो लेट दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए यूज़ होती है लेकिन देयर इज ओनली वन स्पेस जब हम इसको यूज करते हैं की की नाम से ही पता चल रहा है 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 में में अगर हमें को को लिखना है, capital letters में, small A की capital A लिखना जगह मुझे मुझे तो उसके लिए मुझे caps lock key को प्रेस करना पड़ेगा पहले एंड देन आई कैन टाइप ऑल इन कैपिटल लेटर्स फिर से वापस से मुझे अब फिर से स्मॉल लेटर्स में चाहिए सारे लेटर्स तो मुझे दोबारा से लॉक की को प्रेस करना पड़ेगा इस टाइम पे कैप लॉक की ऑफ हो जाएगी कुछ की बोर्ड में उसमें छोटी सी लाइट भी होती है वो टर्न ऑन हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि ओके कैप्स लॉक ऑन है मतलब अब जो भी हम टाइप करेंगे वो सब कुछ कैपिटल में होगा लेकिन जैसे ही वो लाइट ऑफ हो जाएगी और वो कब होगी जब हम एक और बार उसको प्रेस करेंगे कैप्स लॉक की को तो लाइट ऑफ हो जाएगी एंड अब हम जब भी कोई लेटर टाइप करेंगे दैट विल बी इन स्मॉल लेटर्स ओनली इसके अलावा हमारे पास बैक स्पेस की है जो हमने बोला था कि ये लेफ्ट साइड ऑफ कर्सर पे जितने भी लेटर्स होते हैं उनको डिलीट करती है उनको इरेज कर देती है शिफ्ट की क्या होती है शिफ्ट की जो हमारे नंबर कीज़ के ऊपर हमने देखे थे स्पेशल सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स को अगर हमें टाइप करना है तो उसके लिए हमारे पास शिफ्ट की होती है शिफ्ट के साथ साथ हम नंबर की को जब टाइप करते हैं तो नंबर टाइप नहीं होता है ऐसे केस में सेवन टाइप नहीं होगा सेवन के ऊपर एक एंड का सिंबल बना हुआ होता है वो एंड सिंबल टाइप होगा इसी तरीके से हर नंबर के ऊपर एक सिंबल बना हुआ होता है अगर हम शिफ्ट के साथ उसको प्रेस करते हैं तो नंबर की जगह वो सिंबल टाइप हो जाता है एक और काम भी होता है शिफ्ट की का जब हमारे पास कैप्सलॉक ऑफ हो रखा है है ना मतलब आप जो भी हम लेटर टाइप कर रहे हैं वो स्मॉल लेटर में ही टाइप हो रहा है बिना कैप्स लॉक की को ऑन किए अगर हम शिफ्ट के साथ किसी लेटर को प्रेस करते हैं तो वो कैपिटल लेटर में ही प्रेस होता है देन आती है हमारी एंटर की एंटर की मीनिंग ये हमारे कोई भी कर्जर होगा उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा है ना जब हम अपना कुछ भी अपनी कॉपी पे कुछ लिखते हैं और हमें नेक्स्ट लाइन पे लिखना होता है तो वे इजीली मूव आर हैंड टू दी नेक्स्ट लाइन हम अपने हाथ को नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं और नेक्स्ट लाइन में लिखना स्टार्ट कर देते हैं बट कंप्यूटर में अगेन हमें कमांड देनी पड़ती है उसको तो हमें कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है एंटर की जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं हमारा कर्जर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है और अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो उस लाइन में टाइप नहीं होगा वो नेक्स्ट लाइन में ही टाइप होगा तो ये हमारा एंटर कीज होता है दीज आर दिंबल कीज़ कोई भी सिंबल अगर हमें टाइप करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम शिफ्ट के साथ इन नंबर कीज को प्रेस करेंगे तो नंबर कीज के ऊपर जो जो सिंबल बना हुआ है वो ही सिंबल टाइप हो जाएगा टैब की टैब की एक स्पेशल टाइप ऑफ की होती है जो स्पेस बार के जैसी ही होती है स्पेस बार जब हम प्रेस करते हैं तो सिर्फ एक ही स्पेस आता है लेकिन जब हम टैब की प्रेस करते हैं तो हमारे पास फ़ाइव फाइव स्पेसेस आ जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में इवन टैब की एक और जगह पे हमारी हेल्प करती है सपोज करो हम एक एक होम टैब से या एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू पे जंप करना चाह रहे हैं कहीं पर जंप अगर हमें करना होता है वहाँ पर भी हम टैप की यूज़ करते हैं फंक्शन कीज़ क्या होती हैं फंक्शन कीज़ अगेन ये एफ़ से लेकर पूरा एफ़ तक हमारा की में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड पे जब हम देखते हैं तो वहां पे ट्वेल्व फंक्शन कीज होती हैं एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर इस तरीके से पूरा एफ ट्वेल्व तक लिखा हुआ होता है इन एफ फंक्शन कीज के अपने अपने फंक्शन होते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग फंक्शन करती हैं जैसे एक बहुत कॉमन सा फंक्शन होता है एफ फाइव का जो हमारे कंप्यूटर को रिफ्रेश करने में हेल्प करती है जस्ट लाइक like हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं ना बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं एनर्जी आ जाती है ऐसे ही कंप्यूटर को भी रिफ्रेश अगर हम करते हैं एफ फाइव प्रेस करके तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है और पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा वर्क स्पीड में करने लगता है हमारा कंप्यूटर इसके अलावा हमने अभी अभी नेविगेशन कीज़ देखी हैं सबसे पहले हमने एरो कीज़ देखी लेफ्ट जाना है तो लेफ़्ट वाली एरो की राइट के लिए राइट right, अप के लिए अप वाली एरो की एंड डाउन के लिए डाउन वाली एरो की ये सारी हमारी कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहलाती हैं क्योंकि कर्सर के लिए हम हम एक तरीके से उनको कंट्रोल कर रहे हैं कर्सर को इन कीज़ के थ्रू कभी कर्सर को हम ऊपर ले जा रहे हैं कभी नीचे ले जा रहे हैं इसीलिए इनको हम कंट्रोल कर्सर कंट्रोल कीज़ भी बोलते हैं ऑल दी नेविगेशन कीज़ इसके अलावा हमारी नेविगेशन की होम जिसको अगेन नेविगेशन की बोल सकते हैं या फिर हम कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं होम की होती है जो कि लाइन के स्टार्टिंग पे ले जाती है हमारे कर्सर को एंड की लाइन के एंड पे ले जाएगी कंट्रोल के साथ अगर हम होम प्रेस करते हैं तो वो जो कर्सर होता है वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे पहुंच जाता है, है ना और कर्स कंट्रोल प्लस एंड करते हैं तो कर्सर हमारा डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाता है पेज अप करते हैं तो पेज अप हमारा स्क्रीन एक स्क्रीन डाउन हो जाता है अगर सपोज करो दो पेजेस हैं तो अगर मैं सेकंड पेज पे हूँ तो पेज अप करने से मैं फर्स्ट पेज पे पहुँच जाऊँगी सिमिलरली अगर मैं फिफ्थ पेज पे हूँ फिफ्थ पेज पे मैंने कुछ लिखा हुआ है और मैं पेज अप करती हूँ तो मैं फोर्थ पेज पर पहुँच जाऊँगी ठीक है लेकिन कंट्रोल के साथ जब मैं होम प्रेस करूँगी तो मैं चाहे कोई से भी पेजेस पे हूँ मैं सीधा अपने फर्स्ट पेज पे ही पहुँचूँगी स्टार्टिंग में पहुँच जाऊँगी सिमिलरली पेज डाउन मतलब अगर मैं फोर्थ पेज पे हूँ तो मैं फिफ्थ पेज पे पहुँच जाऊँगी लेकिन अगर मैं कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करूँगी तो मैं अपने डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुंच जाऊँगी मैं चाहे कोई से भी पेजेस पे हूँ मैं सीधा लास्ट वाले पेज पे पहुंच जाऊंगी डिलीट हमने अभी देखा बैक स्पेस अगर लेफ्ट से होता है तो डिलीट राइट साइड से होता है इंसर्ट मोड होता है अगेन हम इंसर्ट मोड हमेशा ऑन रखते हैं सो so देट अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखना है तो वो टेक्स्ट एंटर होता रहे अगर ये ऑफ रहेगा तो जो भी टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है ना वो सारा हट जाएगा नया ही टाइप होता जाएगा दिस इज़ ड्यू टू द इंसर्ट ऑन

द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज द स्पेस बार की येस स्पेस बार की सबसे लॉन्गेस्ट की होती है हमारे पूरे कीबोर्ड में द बैक स्पेस की इज़ यूज टू इरेज द कैरेक्टर ऑन द राइट गलत बैक स्पेस की इज यूज टू इरेज द लेटर ऑन द लेफ्ट साइड राइट साइड के लिए कौन सी की होती है डिलीट दोनों ही इरेज कर रहे हैं बट अलग अलग डायरेक्शन में इरेज करते हैं बैक स्पेस लेफ्ट डायरेक्शन में इरेज करता है एंड इरे जो डिलीट होता है वो राइट right डायरेक्शन में इरेज करता है तो इट इज़ फॉल्स एवरी नंबर की हैज़ अ सिम्बल येस एग्जैक्टली नंबर की के ऊपर एक सिम्बल आपको ज़रूर मिलेगा जिसको अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो वो सिम्बल टाइप हो जाता है दिस इज ट्रू अल्फ़ाबेट कीज़ आर यूज फॉर टाइपिंग दी नंबर्स ऑब्वियसली नॉट एल्फ़ाबेट कीज़ हैं तो अल्फ़ाबेट्स टाइप होंगे नंबर्स थोड़ी टाइप होंगे तो सो दिस इज़ फॉल्स नेक्स्ट इज मैचिंग मैच द फॉलोइंग हमें करना है नेविगेशन कीज इनमें से नैविगेशन कीज़ कौन सी हैं द लास्ट कीज़ इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइन्स से मैच नहीं किया है सिर्फ लेटर्स लिख दिया है ए लेटर सो दिस इज़ ऑल्सो ए लेटर दिस मीन्स नेविगेशन कीज़ ये वाली हैं सिमिलरली टाब की कौन सी होती है ऑब्वियसली की के ऊपर टाब लिखा भी होता है अल्फाबेट कीज़ अल्फाबेट्स होंगे क्यू डब्ल्यू ई ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं तो ऑब्वियसली दिस इज दीज आर अल्फाबेट कीज़ फंक्शन कीज़ फंक्शन कीज़ में भी एफ वन एफ टू एफ थ्री इस तरीके से पूरा ट्वेल्थ तक लिखा होता है दीज आर फंक्शन कीज़ नंबर कीज़ जिनपे नंबर्स लिखे होंगे वन टू थ्री फोर नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लिली वॉन्ट्स टू गिव फाइव स्पेसिस बिटवीन टू वर्ड्स शीप प्रेस दिस स्पेस बार की फॉर फाइव टाइम्स टू डू दिस है ना लिली को क्या करना है फाइव स्पेसेस देने हैं दो वर्ड्स के बीच में और वो क्या कर रही है स्पेस बार को फाइव टाइम्स प्रेस कर रही है टास्क तो विच अदर की शुड कुड शी यूज टू डू द सेम टास्क इन वन गो वो एक ही बार में ऐसी कौन सी की थी वो यूज़ कर सकती थी कि उसको बिल्कुल पूरे फाइव स्पेसेस मिल जाते टैप की टैप की एक बार में ही हमें फाइव स्पेसेस दे देती है वरुण हैज टू टाइप हिज एज यूजिंग दी न्यूमेरिक कीबोर्ड वरुण को अपनी एज जो है वो टाइप करने हैं न्यूमेरिक की से की से हाउ एवर इट इज़ नॉट वर्किंग लेकिन ये की ना वर्क नहीं कर रहा है विच की शुड ही यूज़ टू एक्टिवेट द न्यूमेरिक की पैड समटाइम्स क्या होता है हमारा नम लॉक ऑफ होता है नम लॉक जब ऑफ होता है तो हम अपने जो राइट right साइड के जो छोटे से स्पेस में कीज़ होती हैं नंबर वाली कीज़ वो प्रेस नहीं हो पाती हैं फाइव प्रेस नहीं होगा उसको पहले हमें नम लॉक की को ऑन करना पड़ता है और तब जाके हम नंबर्स उन कीज़ के थ्रू प्रेस कर सकते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो नाउ एमसी क्यूज हाउ मेनी कीज आर देयर ऑन अ की बोर्ड वन हंड्रेड फोर वन जीरो फोर विच कीज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन दर्ड स्पेस बार की विच कीज आर नोन एज कर्सर कंट्रोल कीज एरोज ये सारी नेविगेशन कीज हमारी करसर कंट्रोल कीज होती हैं जिनमें एरो कीज़ भी आती हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीज आर देयर ऑन अ की बोर्ड एल्फाबेट कीज नंबर कीज फंक्शन कीज़ नेविगेशन कीज़ एंड स्पेशल कीज़ जिसके अंदर कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक स्पेस बार अदर टाइप ऑफ कीज़ जितनी भी होती हैं एंटर कीज़ एक्सेट्रा वो सब हमारी स्पेशल कीज़ में आती हैं विच की ब्रिंग्स द करसर टू द नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन में कौन सी की लेकर आती है कर्सर को एंटर की विच की कॉम्बिनेशन मूव दर्सर टू दॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाओगे आप बॉटम पे चाहे सिक्स पेजेस हैं तो बिल्कुल सिक्स पेज पे आ जाओगे आप सेवन पेजेस हैं तो सेवन्थ पेज पे आ जाओगे दैट इज द कंट्रोल प्लस एंड विच की मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन लाइन के सिर्फ शुरुआत पे जाना है आपको डॉक्यूमेंट के शुरुआत पे नहीं जाना है लाइन में कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग पे लेकर जाना है तो आपको सिर्फ एक की प्रेस करनी है दैट इज होम की लाइन के एंड पे जाना है तो एंड की प्रेस करोगे सिर्फ नेम द कीज दैट दैट आर यूज टू मूव कर्सर ऑन द स्क्रीन नेविगेशन कीज जो कर्सर को इधर से उधर मूव कराती हैं नेक्स्ट आर क्वेश्चन आंसर्स जो आपको अपनी आईटी की नोटबुक में करने हैं क्वेश्चन नंबर वन जो क्वेश्चन आंसर्स का है वो है व्हाट डू यू नो अबाउट एल्फाबेट कीज वट आर दे यूज फॉर आपको अल्फाबेट कीज के बारे में क्या पता है क्या होती है अल्फाबेट कीज दीज आर ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट कीज फ्रॉम ए टू जेड बट नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू वर्क फास्ट आर अल्फाबेट कीज़ है ना ऐसी जो अल्फ़ाबेट वाली जो कीज़ होती हैं ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होती हैं इनको हम अल्फ़ाबेटिकल कीज़ बोलते हैं एंड दे आर यूज्ड टू टाइप वर्ड्स सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स ऑब्वियसली अल्फ़ाबेट्स हैं तो लेटर्स टाइप करने के लिए यूज़ होते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नंबर कीज वेयर आर दे प्रेजेंट नंबर कीज़ का क्या यूज़ होता है और वो प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं नंबर कीज आर यूज्ड टू टाइप नंबर्स ऑब्वियसली नंबर्स को टाइप करने के लिए यूज़ होती हैं दे आर प्रेजेंट अबव द टॉप रो ऑफ द अल्फ़ाबेट हमने देखा था अल्फ़ाबेट के बिल्कुल टॉप रो में नंबर कीज़ होती हैं प्रेजेंट और एक और जगह पे नंबर कीज़ प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड पे दो जगह पे हमें नंबर कीज़ मिलती हैं वॉट डू यू नो अबाउट फंक्शन कीज़ फंक्शन कीज़ के बारे में आप क्या जानते हो सबसे पहले तो फंक्शन कीज़ कौन सी कीज़ होती हैं हमारे कीबोर्ड के सबसे टॉप रो में लेफ्ट साइड पर जो ट्वेल्व कीज़ होती हैं दो तो जिनमें लेबल होता है एफ वन एफ टू एफ़ ट्वेल्व तक एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इन सब का एक अलग अलग फंक्शन होता है अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए हमारे कंप्यूटर में जो अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए ये अलग अलग फंक्शन प्ले करती हैं वॉट इज द फंक्शन ऑफ अ कैप्स लॉक की कैप्स लॉक की का क्या फंक्शन होता है ये अल्फाबेट्स को हमें कैपिटल में टाइप करने में हेल्प करती हैं सो कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप अल्फाबेट्स इन दी कैपिटल क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट इज द यूज ऑफ शिफ्ट की हाउ मैनी शिफ्ट कीज़ आर देयर ऑन आ की बोर्ड शिफ्ट की का क्या क्या रोल होता है हमने देखा था शिफ्ट की को अगर हमें कोई स्पेशल सिम्बल्स टाइप करने अपने डॉक्यूमेंट में जो नंबर्स के ऊपर लिखे हुए होते हैं तो अगर हम उनको शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो वो प्रेस हो जाता है तो शिफ्ट की इज़ यूज टू टाइप स्पेशल सिम्बल्स प्रेजेंट ऑन दी अपर पार्ट ऑफ दी कीज़ उनको टाइप करने में हेल्प करती हैं इट इज़ ऑल्सो यूज टू टाइप अल्फ़ाब्स या अल्फ़ाब्स को टाइप करने में भी हेल्प कराती हैं इन कैपिटल लेटर्स कैपिटल लेटर्स में टाइप कराने में हेल्प करती व्हेन वेन कैप्स लॉक की इज ऑफ जब कैप्स लॉक की ऑफ होती है तो हम शिफ्ट की हेल्प से भी अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं